हेलो दोस्तों, मैं हूं अमीरुल खान। स्वागत है मेरे चैनल सोना 3D होम डिजाइन में। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं 38x44 के हाउस प्लान के बारे में। और गाइस, ये जो हमारा डिजाइन है, ये मतलब यूपी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं अमित जी के लिए। और इसमें गाइस क्या है, इसका जो साइज है चौड़ाई है वो है 38 फीट और लंबाई है 44 फीट। तो गाइस, इसमें क्या है, 4 बेडरूम है और उसके बाद एक किचन है और डाइनिंग हॉल, लिविंग हॉल, उसके बाद एक बरंडा भी है सामने में, जैसे कि बैठक जिसको बोल सकते हैं। और गाइस, इसमें चारों साइड से खुला हुआ है, मतलब कार पार्किंग वगैरह। प्लॉट का साइज काफी बड़ा है, लेकिन जो घर बनाया ना गाइस, वो है 38x44 में। तो गाइस, जैसे कि देख सकते हैं सामने का बाउंड्री वॉल का डिजाइन ये हमारा हो गया। सामने एक मेन गेट हो गया और उसके बाद गाइस ये सामने का रोड है, ठीक है। और उसके बाद आप गार्डन वगैरह भी कर सकते हैं, जैसे फ्लावर्स वगैरह देख सकते हैं। और गाइस, ये हमारा साइट का एलिवेशन हो गया। यहाँ पे सीढ़ी वगैरह का जितना भी डिजाइन है गाइस, उसका सीढ़ी के ऊपर ममटी जो होगा उस पर कैसा डिजाइन आएगा, वो सारा चीज़ है यहाँ पे। और ये हमारा साइट का एलिवेशन है, देखिए एक मैं एंट्री सामने से और एक एंट्री जो हमारा साइट से है। ये हमारा पीछे का डोर हो गया जो कि मास्टर बेडरूम है, इसमें 2 और एक टॉयलेट अटैच है और एक मतलब 2 मतलब मास्टर बेडरूम और एक कॉमन 2 कॉमन रूम है और उसके बाद एक कॉमन टॉयलेट भी है इसमें। तो गाइस, अभी नक्शा भी दिखाऊंगा, नक्शा के बारे में बात करेंगे अभी। ग्राउंड फ्लोर तो लास्ट तक देखते रहिए। और जैसे ही गाइस यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये पूरा हमारा मतलब कि ग्राउंड फ्लोर का डिजाइन हो गया। यहाँ पे देख सकते हैं कि कार लगाने के लिए कार पार्किंग हो गया, बाइक पार्क आप कर सकते हैं, जैसे कि गार्डन वगैरह यहाँ पे आप पेड़ पौधा जो भी है लगा सकते हैं। सामने देख सकते हैं गाइस, बरंडा में एक स्लाइडिंग डोर हमने दिया हुआ है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे सामने का देख सकते हैं स्लाइडिंग का डोर है। ऊपर का गाइस देख सकते हैं कि पूरा ब्रिक वर्क और इसमें स्टील का काम किया हुआ है और RCC का भी काम हुआ। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि टैप टैप का भी डिजाइन हमने निकाला है सीढ़ी के ऊपर का। चलिए, आप नक्शा में आ गए। नक्शा की बात करें गाइस, तो यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं 38 फीट है, ठीक है, 44 फीट लंबाई है। तो गाइस, यहाँ पे क्या है ना, इसका कॉलम जो साइज है वो है इसका जो है 10x15 का है कॉलम, जो कि 10 इंची का वॉल है, 5 इंची का अंदर आउटर, मतलब कि आउटर वॉल 10 इंची का और जो अंदर का होगा वो 5 इंची का है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं गाइस, पीछे से अगर हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो एक मास्टर बेडरूम हो गया और एक मास्टर बेडरूम यहाँ हो गया, जिसका साइज है 12x14 का और 12x14 का। अटैच टॉयलेट एंड बाथरूम है, जिसका साइज है 5 फीट 6 इंच बाय 9 फीट 8 इंच। और यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे कि 5 फीट 7 इंच बाय 9 फीट 8 इंच, ये मास्टर बेडरूम हो गया हमारा 2। उसके बाद गाइस, इधर हम आते हैं सामने, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ से हम सीधा चढ़ रहे हैं ऊपर, मतलब छत पे। तो ये हमारा सीढ़ी, यहाँ से जब कंटिन्यू चढ़ेंगे हम, तो यहाँ से हमारा लैंडिंग आ जाएगा ऊपर। ये जो हमारा डॉटेड है, यहाँ से कंटिन्यू हमारा ऊपर चले जाएगा। तो सीढ़ी क्या होगा, यहाँ पे एरिया खाली रहेगा, ये पूरा एरिया। उसके बाद एक कॉमन टॉयलेट हो गया गाइस यहाँ पे, जिसका साइज है 4.5x8x7 इंच। और हमने पीछे जो है गाइस, इधर कुछ विंडो वगैरह के लिए नहीं छोड़ा हुआ है, तो यहाँ पे हमारा डक्ट हो जाएगा, मतलब कि यहाँ पे साफ हो जाएगा हमारा 3x4.5 का। उसके बाद गाइस, यहाँ पे देख सकते हैं कि बेडरूम है, तो बेडरूम का साइज ये हमारा 10x12 का एक बेडरूम हो गया, ठीक है। एक डाइनिंग हॉल हो गया यहाँ पे, जैसे टेबल वगैरह लगा सकते हैं, सोफा वगैरह, काफी अच्छा स्पेस है अंदर का। उसके बाद गाइस, यहाँ पे देख सकते हैं कि अब हम एक किचन आ गए, ठीक है, यहाँ पे एक किचन है। तो किचन का साइज गाइस देख सकते हैं, यहाँ पे 3 फीट 8 इंच ही रहेगा। यहाँ पे एक डोर लगा सकते हैं आप, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 10 फीट बाय काफी बड़ा किचन होगा, 10 फीट बाय समथिंग 12 फीट का एक किचन हो जाएगा यहाँ पे, लंबाई में काफी बड़ा है। उसके बाद गाइस, यहाँ पे देख सकते हैं कि एक बरंडा टाइप का हो गया, जैसे कि आपको मैंने फ्रंट एलिवेशन डिजाइन दिखाया हुआ। तो एक एंट्री यहाँ से और एक एंट्री गाइस यहाँ से है, ठीक है, सामने का एंट्री। तो यहाँ पे एक किचन हो गया, जिसका साइज मैंने अभी आपको बता दिया। उसके बाद एक बरंडा हो गया, जैसे कि सोफा वगैरह चेयर लगा सकते हैं बाहर के आदमी के लिए। तो 8.5x9 का हो गया यहाँ पे बरंडा हो जाएगा। एक कॉमन फिर मतलब गेस्ट रूम हो जाएगा गाइस, जिसका साइज होगा 11x12 का, एक गेस्ट रूम का साइज हो गया। जैसे कि यहाँ पे एंट्री या स्लाइडिंग डोर लगेगा, यहाँ पे लगा सकते हैं, ओपन भी रख सकते हैं आप। उसके बाद एक गेट होगा हमारा यहाँ पे अंदर आने के लिए और एक गेट होगा हमारा यहाँ पे गेस्ट रूम में आने के लिए। और उसके बाद एक गेट यहाँ पे भी है गाइस, मतलब इसमें 3-3 गेट हमने दिया हुआ है, ठीक है। जैसे एक गेट से यहाँ डायरेक्ट, एक गेट यहाँ गेस्ट रूम और गेस्ट रूम से यहाँ खोल करके यहाँ पे 2 ही गेट दे सकते हैं, मतलब सभी का रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग गेट लगा सकते हैं। उसके बाद एक साइड से यहाँ पे गेट देख सकते हैं, यहाँ से एक गेट है जिसका साइज है गाइस 4 फीट
और यहाँ से भी गेट हमारा आ जाएगा लिविंग हॉल में, एक गेट है आगे हमारा बरंडा में। तो जिसको बरंडा में आना है तो यहाँ से स्लाइडिंग डोर से आ जाए या तो फिर डायरेक्ट लिविंग हॉल में। और एक गाइस हमारा एक छोटा सा पूजा रूम होगा जिसका साइज है 3 फीट 10 इंच बाय 6 फीट 6 इंच का। तो गाइस जैसे कि देख सकते हैं सामने एक बेडरूम हो गया, किचन हो गया, बरंडा हो गया, पूजा रूम हो गया, उसके बाद एक एंट्री यहाँ से है। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं लिविंग एंड डाइनिंग हॉल हो गया, एक कॉमन बेडरूम हो गया, उसके बाद एक टॉयलेट सीढ़ी मतलब जीना के लिए हो गया, और उसके बाद 2 मास्टर बेडरूम हमारा हो गया जिसका साइज है 38 बाय 44। और गाइस अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को। ओके, थैंक यू।